नित्य चेतना पावनात्मा ओ नित्य नूतन पावनात्मा ओ सत्य चेतना पावनात्मा वचनों से तेरे मुझको भर दे रोशनी तेरी मुझ में तो भर दे वचनों से तेरे मुझको भर दे रोशनी तेरी मुझ में तो भर दे तू चंगा कर हम रोगियों को संजीवनी है तेरा वचन तू चंगा कर हम रोगियों को संजीवनी है तेरा वचन ओ नित्य नूतन पावनात्मा ओ सत्य चेतना पावनात्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो जैसे क्वायर ने अभी गाया है तू चंगा कर हम रोगियों को संजीवनी है तेरा वचन प्रभु कितने सुंदर वचन हम सुन रहे हैं तू चंगा कर हम रोगियों को आज कलीसिया पेंतकोस्त का महोत्सव इस इतवार को मना रहे हैं और प्रिय घरेलू कलीसिया प्रिय परिवार भाई बहन प्यारे बच्चों आज आपका भी बहुत सुंदर दिन इसलिए है क्योंकि आज माता कलीसिया का जन्म दिवस है इट्स द बर्थडे ऑफ द चर्च यदि ये पेंतकोस्त नहीं हुआ ये कलीसिया नहीं होता तो आज आप लोग एक दूसरे के साथ इस परिवार में इस घरेलू कलीसिया में जैसे माँ का जन्म मना रहे हैं हम माता कलीसिया का जन्म आज मना रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं 2000 वर्ष से भी ये कलीसिया चले आ रही है कलीसिया के इतिहास में बहुत अच्छे समय भी थे और ऐसा समय भी आया कलीसिया के जीवन में जहाँ आंधी तूफान बहुत से ऐसे हानिकारक चीज़ें भी हुए हैं इतिहास में लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने कहा मैं तुझे ये पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ कलीसिया आज ये पर्व मना रही है पवित्र आत्मा इस कलीसिया में आए इस घरेलू कलीसिया में आए आपके परिवार में आए और जैसे 2000 वर्ष पहले उस बंद कमरे में वो डरे हुए शिष्यों उस परिवार में ये आत्मा आई और उनका जीवन उस दिन से बदल गया आइए हम हाथ जोड़ के
हम प्रभु के पास आए, जैसे हमने गाए हैं अभी, तू चंगा कर, तू चंगा कर प्रभु, हमें अपने मन में, अपने शरीर में, अपने आत्मा में। आइए हम दुआ करें प्रभु से, एक दूसरे के लिए दुआ करें, आपके आसपास परिवारों के लिए भी दुआ करें, आपके मोहल्ले के परिवारों के लिए भी दुआ करें, और सभी देशों में हर एक परिवार के लिए आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों के भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। Oh,
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सभी देशों में फैली अपनी कलीसिया को तू आज के पर्व समारोह से पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर, जो सुसमाचार प्रचार कार्य तूने कलीसिया के आरंभ में किया है उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित होकर, क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था, वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में कैसे सुन रहा है? पाथी, मेंदी और एलामती, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रिजिया और पंफिलिया, मिस्र और किरिन के निकटवर्ती, लिम्बिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्य का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु अपना आत्मा भेज।
गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु तेरे कार्य असंख्य है, पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। अनुवाक्य। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। के प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनः जीवित हो जाते हैं, और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। की महिमा सदा बनी रहे, प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे, प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। अनुवाक्य। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। पाठ दूसरा, कुरिन्थियों दे नाल संत पौलुस दा पत्र। इसलिए मैं तुहानू दसदा हाँ, जो कोई मनुष्य भी परमेश्वर दी आत्मा तो प्रेरित है, वह यह नहीं कह सकता कि यीशु सराफी है, अते ना ही कोई मनुष्य पवित्र आत्मा दी प्रेरणा तो बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आत्मा दाता तो तरह तरह दियाँ हुंदियाँ हन, पर उन्हां नूं देण वाला आत्मा एक ही है। सेवा दान तो तरह तरह के हुंदे हन, पर प्रभु एक ही है। काम तो तरह तरह के हुंदे हन, पर एक ही प्रभु है जो सभा विच हो के काम करता है। सबो दे भले लई हर एक आदमी नूं आत्मा चानण दिता गया है। मसीह एक शरीर की तरह है जिसके बहुत सारे अंग होंगे, पर यह बहुत सारे अंग वक् वक् होने भी एक ही शरीर होंगे है। इस तरह असी भावें यहूदी होए या दूजिया कौमां दे, जा गुलाम जा आजाद, असी एक ही आत्मा द्वारा बपतिस्मा दे राही एक शरीर बन गए हाँ, अते सानू सब नू एक ही आत्मा पीन लई दिता गया है। यह प्रभु दी पाक बाणी है। अनुस्त्रोत। हे पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गिक ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हे दरिद्रों के पिता, वरदानों के दाता, हमारे हृदय की ज्योति हमारे पास आने की कृपा कर। तू है सर्वोत्तम सांत्वना दाता, तू है हमारी आत्मा का प्रिय पाहुना, तू है भोर के ओस सा सुखदायक, परिश्रम में तू है विश्राम, ग्रीष्म में तू है शीतल छाया, विलाप में तू है सांत्वना। हे परम धन्य ज्योति, अपने विश्वासियों का हृदय आलोकित करने की कृपा कर। तेरे कृपादान के अभाव में पुण्य का काम कोई भी नहीं कर सकता, पाप से कोई भी नहीं बचता। जो मैला है उसे धो डाल, जो सूखा है उसे सींच दे, जो घायल है उसे चंगा कर, जो कड़ा है उसे झुका दे, जो ठंडा है उसे गर्म कर,
जो टेढ़ा है उसे सीधा कर दे। जो तुझ में विश्वास करते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, उन्हें अपना साथ वरदान प्रदान कर। तो हमको यह लोक में पुण्य में जीवन दे, इसके अंत में मुक्तिदायक मरण और परलोक में ईश्वरीय आनंद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों के हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। हालेलुया, हालेलुया। योहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भाई से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले, पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हाँ धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, एक दूसरे से यहाँ वहाँ मिल सकते हैं। एक तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस थे कोविड के समय, अब धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं, और शायद कुछ दिनों में और भी हमें एक तरीके से आगे पीछे चल सकते हैं, मिल सकते हैं। देखते हैं कैसे हमारे गवर्नमेंट अधिकारी हमें बताते हैं। लेकिन इन दिनों में आपने देखा है अखबारों में, न्यूज़ चैनल में, एक तरीके से प्रवासी भाई बहनों का कितने कष्ट से वो चल रहे हैं अपने अपने परिवार में वापस आने के लिए, अपने गांव, अपने घरेलू परिवार में आने के लिए। और मैं ज़्यादा बोलता नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जैसे हमने देखा, वो छोटा बच्चा, माँ का लाश पड़ी है, ट्रेन से उनको बाहर प्लेटफॉर्म में रखा गया, एक चादर माँ के ऊपर रखा गया। ये छोटा बच्चा उस चादर से उठाते हैं, सिर के ऊपर डालते हैं,
एक तरीके से वो खेल रहा है या माँ को उठा रहा है, पता नहीं बच्चे के मन में क्या है, लेकिन पूरे जगह जब हमने वो देखा है, उसके बारे में पढ़ा है, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो एक तरीके से एक सागर है दुनिया में, आंसुओं का सागर, प्रवासी भाई बहनों को देखकर। ये एक हिस्सा है दर्द का, दुख का, अंधेरे का, निराशा का। और दूसरी तरफ एक और दृश्य हम देख सकते हैं, जहां हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल सपोर्ट स्टाफ, कर्मचारी, जो दूध लाता है, जो सब्जी लाता है, जो फल लाता है, और कोई कोई दुकानों जो खुल गए हैं, कैसे इन जगहों में कैसे ये भाई बहन आगे बढ़े हैं एक दूसरे के प्रति, सेवा में, एक दूसरे की मदद में, कैसे हम ये भी हम सुनते हैं। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने एक तरीके से अपना पूरा जीवन रिस्क पर रखे, रिस्क कतरे पर रखा है, और फिर भी वो भाई बहन आगे चल रहे हैं। ये भाई बहन हमारे लिए एक उदाहरण है, हम सब के लिए। इसलिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जैसे कभी कभी हम लोग अपने बगीचे में देखते हैं या जब रोड पर देखते हैं, और यहाँ चंडीगढ़ के रोड पर हम देखते हैं, कोई कोई जगह में कोई पेड़, कोई पतझड़ हुआ है, कोई कोई पेड़ों में एक तरीके से कोई फूल नहीं है, लेकिन बीच बीच में अमलताज पेड़ है जो पीला फूल देता है, पूरा वातावरण को बदल देता है, पूरा वातावरण को अलग कर देता है। इसी प्रकार से प्रिय भाई बहन, ये पेंतेकोस्त का पर्व, प्रभु का एक नया ज्योति आती है हम सब पर। और जैसे हमने आज के सुसमाचार में पढ़ा है कि शिष्य यहूदी बैर के द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए, उन्होंने शिष्यों से कहा तुम्हें शांति मिले। देखो वे भयभीत परिवार, घरेलू परिवार, उस बंद कमरे में प्रभु यीशु आए और उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। कितना सुंदर। और आगे वो कहते हैं, और यीशु ने उन पर फूंक कर कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यीशु ने उन पर फूंक कर कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और हम जानते हैं, और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, पेंतेकोस्त का पर्व हमें स्वतंत्रता देता है, एक नया जीवन देता है। हाँ, कोरोना के पहले दुनिया में हम एक और एक तरीके से एक और चीज़ों में फंस गए, लालच में, आलस्य में, भाग दौड़ में, परिवार के लिए समय नहीं था, परिवार में एक लोग अपने अपने दुनिया में थे, कोई एक दूसरे के प्रति इतना प्यार नहीं था, ये कोरोना का पहले हुआ। और अब हमें वापस हम लोग आ रहे हैं जैसे नॉर्मल जीवन, लेकिन ये नॉर्मल जो था कोरोना के पहले, ये जो स्वार्थ, आलस्य, इस पर हमें वापस नहीं आना है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आज पेंतेकोस्त के दिन सबको, परिवार को, भाई बहनों को, इस घरेलू कलीसिया को एक नया जीवन, अभी हमें कोई और तरीके से प्यार से हमें आगे बढ़ना है। इसलिए कहा गया है कि जब पवित्र आत्मा की शक्ति हम में आती है तो बहुत कुछ हमें मिलता है, प्रभु के साथ वरदान। पवित्र आत्मा हमें साथ वरदान देते हैं, प्रज्ञा, विवेक, समझ, ज्ञान, धैर्य, दृढ़ता,
धर्मनिष्ठा और प्रभु का भय, ये सात वरदान मिलते हैं इस्तकलाल सक्रमेंट में, हमें ये मिला है। फिर भी हमें और भी फल मिलते हैं पवित्र आत्मा का, प्यार का, सेवा का, भाईचारे का, क्षमा का, बहुत से ऐसे फल हमें मिलते हैं। कभी कभी हम देखते हैं अपने अपने चर्चेज में जब कोई ये पर्व आता है तो ऑल्टर के सामने ये फल डेकोरेशन में लगाते हैं ऑल्टर के पहले, या इस्तकलाल सक्रमेंट में जब बच्चे सक्रमेंट ग्रहण करते हैं उनका जो सात वरदान है वो हमारे सामने ऑल्टर के सामने या टांगे जाते हैं। सो आपको सब पता है ये वरदान कलीसिया को मिल रहा है, हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है। और इसलिए आपने ये एक अनोखा वाक्य आपने सुना है जो दूसरे पाठ के बाद हमने सुना है, और वो अनुस्त्रोत आपने सुना है। बहुत ही इसको आपको दोहराना है अपने परिवार में, क्योंकि ये बहुत ही शक्ति है इस प्रार्थना में। और कलीसिया के विधि में दो बार ऐसे कविता, ये कविता है जो जोड़ा गया है हमारे पाठों में, दो बार ईस्टर में और पेंटेकोस्ट में, कभी कभी क्रिसमस में भी ऐसा ये पाठ हम सुनते हैं। और मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, तीन चार वाक्य। हे पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ, अपने स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। कितना सुंदर। और आगे वो कहते हैं जो मैला है उसे धो डाल, जो सूखा है उसे सींच दे, जो घायल है उसे चंगा कर। आजकल पूरी दुनिया में एक सागर का आंसू है, बहुत से लोग डरे हुए, निराश हुए हैं। कैसे ये पाठ उन्हें बताते हैं, हमें बताते हैं कि जो घायल है उसे चंगा कर, और जो तुझ में विश्वास करते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, उन्हें अपने साथ वरदान प्रदान कर। कितना सुंदर पाठ हमने सुना है। और आज के दूसरे पाठ, सिर्फ ये हर एक पंक्ति जो आज के पाठों में दिया गया है बहुत इसमें गहराई है। और आज के दूसरे पाठ में हमने क्या सुना है, पवित्र आत्मा प्रभावशाली कार्य ने हम सब पर किया है, हम अभी ईश्वर सबों से सब कुछ कराता है, वे प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वे सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। हम सबको एक बनाए हैं, आपके परिवार इन दिनों में एक बना है। कई भाई बहन मैसेज भेजते हैं कि इन दिनों में हमारी परिवार में हमने प्रार्थना रोज शुरू किया है, चाहे इधर हो या विदेश में हो, मैसेजेस आते हैं, वी हैव स्टार्टेड टू प्रे इन द फैमिली डेली। किसी ने बोला हम 6 बजे शाम को कोई भी चीज हो हम एक परिवार जैसे परिवार प्रार्थना के लिए आते हैं। वचन, प्रभु के वचन पर हमने इन दिनों में बहुत ध्यान दिया, इतने समय से हमने प्रभु के वचन को ध्यान से नहीं पढ़ा, समय नहीं था, हम लोग भागदौड़ में थे, लेकिन अभी प्रभु के वचन हम समझ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे जो बातें हैं जो धर्म के बातें हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कोई भाई बहन हमें प्रश्न पूछते हैं, व्हाई दिस, व्हाई दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हम कोशिश करते हैं उनको ये जवाब देने को। मतलब एक परिवर्तन आया है अभी इस घरेलू कलीसिया आपके परिवार में। और इसलिए आज के पहले पाठ में हम क्या सुनते हैं, अचानक आंधी जैसे आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा, उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। देखो सारे पाठ में पवित्र आत्मा पर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए आज हम बड़े भक्ति से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। और हम जो आज यहाँ पर आए हैं बड़े आदर से
और नम्रता से हम जो आए हैं अपने हृदय में एक तरीके से पश्चाताप करते हुए, और हम दुआ करते हैं भक्ति से, और हम पूछते हैं हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हमें विशुद्ध कर, कीप अस प्योर, और हमारे विश्वास को और दृढ़ बना। और हमारा यही एक कार्य है इन दिनों में, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। संत पापा ने बहुत जोर दिया है कि पेंतेकोस्त का पर्व एक नया शुरुआत हो हमारे जीवन में। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई डोंट हैव टू से मोर, यू आर सीइंग इट एंड यू आर रीडिंग इट इन द न्यूज़पेपर्स एंड वॉचिंग द न्यूज चैनल्स। अ ट्रेमेंडस स्टोरीज एंड द पेन ऑफ सो मेनी फैमिलीज, यू आर रीडिंग इट एंड सीइंग इट, पर्टिकुलरली in our own country, the migrants, the way they are going back to their own home. You and I have been blessed. We have a home, we have a family, we are a domestic church, and these are still on their way to return to their home. And you have seen that story of that young little toddler on the railway platform playing with the shroud covering the dead body of his mother, not able to understand or understanding something, but in a childlike way, he's lifting the shroud, putting on his head, pulling it till somebody of his family comes and lifts him and takes him away. You've seen that picture. That's going to remain in our hearts. So there is this pain. There is this, in a way, the world is hurting. The world is distraught. The world is facing this disease. The world is facing this terrific challenge that has come upon all of us. And on the other side, you see another story. The story of brave doctors, nurses, medical support staff, the man who brings the milk, the man who brings the vegetables, the certain shops and shopkeepers, and certain people coming out, stretching themselves out, taking a risk on the front line. We are hearing these stories also. So one side there is this darkness, there is this pain, and the other side there are stories of tremendous heroism. This is the Holy Spirit. This is the Holy Spirit, because this is what happened in that church at that time 2000 years ago. What happened there, you heard in the gospel passage. On the evening of the first day, the doors being shut, the disciples were for fear of the Jews. And Jesus came and stood among them and said, peace be with you. And later on in that same gospel passage, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. And you heard that passage. And then we have that beautiful sequence that we will read and that we have read in Hindi. But if you have the liturgy leaflet, look at that sequence. Every line of that sequence is so deep, so piercing. For example, a few lines of that. Holy Spirit, Lord of light, beaming radiance, come thou, Father of the poor, come with the treasures which endure, come thou, light of all that live. So beautiful. Further on, light immortal, light divine, visit thou these hearts of thine and our inmost being fill. And further on, heal our wounds, our strength renew, on our dryness pour thy dew, wash the stain of guilt away, bend the stubborn heart and melt the frozen, warm the chill, guide the steps that go astray. So beautiful. Each word that's there in today's liturgy, the sequence which is said, it's a poetry. It's from the poet, which is said only twice, during Easter, during Pentecost, and also at Christmas. This sequence, very deep words, words that have been pondered and reflected on, and in a poetic form, it is presented to us. And that's why he says,
adore. We adore you, O Holy Spirit, and the sevenfold gifts descend. Give comfort when we die. Give us life on high. Beautiful words. And so, my brothers and sisters, we're going to pray and we're going to ask the Lord in these days. Remember, some Sundays ago, I was saying the prayer to the Holy Spirit. Today is the day when you, in your own little home, in your domestic church, can pray to the Holy Spirit. Some of you have been making the novena to the Holy Spirit. Some have been making the triduum to the Holy Spirit. And therefore, that beautiful prayer to the Holy Spirit, which many of us know, O Holy Spirit, beloved of my soul, enlighten me, strengthen me, guide me, console me, tell me what I should do. Give me your orders. I submit to all that you will for me, to accept all that you allow to happen to me. Only let me know your will and help me to do it. Such a beautiful prayer. And this is the prayer that we offer to each other in our little home. And very soon, like the disciples, they came out of the room and they brought the spirit of love, of compassion, of forgiveness, of mercy. They came out, those frightened men, with the tongues of fire coming upon them. They came out and they brought this light and love. You also, each one of you, will be going out, and we bring the Lord's light and the Lord's love. Do we not sometimes see, when we are on the roadside walking, or sometimes in our own garden, there's a tree which catches the attention of everyone in this hot summer? The Amaltaj tree, the Mayflower tree, those yellow flowers. It captures you, it captivates you. It changes the whole environment with that flower, the yellow flower. So beautiful. Sometimes no leaf, but only the flowers are seen. It's the same thing with the Holy Spirit in our life, bringing God's light, God's love, God's goodness in a world that is seeking for God's mercy and God's healing. We pray for one another. And Mary, our beautiful mother, we read in the Acts of the Apostles, when they were in that room. Today, we are on the Feast of Pentecost, and Mary was there in Acts, in the first chapter. When you read, in that room, along with the women and the disciples, she was also there, praying, and the Holy Spirit came upon all of them as it came upon her as a tongue of fire. Mary, our mother, is there also to intercede for this domestic church, for this church which is there in your home. Your home is the living, is the church. Each one of you are the living stones of that domestic church. Mary, our mother, will intercede for us. प्रेरितों का धर्मसार पृथ्वी के सब मान पिता ईश्वर पर करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा वे क्रूस पर चढ़ाए गए मर गए उठाए गए और अधोलोक में उतरे वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे स्वर्ग गए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे हम पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मियों की सहभागिता पापों की क्षमा शरीर के पुनरुत्थान जीवन में विश्वास करते हैं प्रिय भाइयों बहनों पिता ईश्वर ने अपने पुत्र के वचनासार शिष्यों पर पवित्र आत्मा भेजा और उन्हें परिपूर्ण किया हम लोग हर निवेदन के बाद बोलते हैं हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज हमारे संत पिता सर्वी धर्माध्यक्ष पुरोहितगण एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर
प्रभु द्वारा दिए गए कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। पवित्र कलीसिया जो पहले पेंतेकोस्त में पैदा हुई थी, पवित्र आत्मा की शक्ति से अब तक बढ़ रही है। वही आत्मा मिशनरियों के कामों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के प्यार के लिए अपने मन और दिल खोल दे और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए जी सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। बुजुर्ग, बीमारों और बेघरों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के उनके अकेलापन को दूर कर दे और दुख दर्द के क्षणों में सांत्वना और आराम दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि पेंतेकोस्त का यह उत्सव हमारे जीवन को हर्षित, साहसी और मिशन उन्मुख बना दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। आपके लिए, आपके हृदय में कोई भाई बहनों, परिवारों को आप याद करते हैं, इस समय प्रार्थना की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है इन परिवारों के लिए, इन भाई बहनों के लिए, हम ये निवेदन और प्रार्थना हम करेंगे। हे प्रेम में पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यरूशलेम में इकट्ठे हुए प्रेरितों पर जीवन देने वाला आत्मा को भेजा, जिससे उन्हें नया जीवन मिला। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरे लिए ना
भाइयों बहनों बच्चों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस पवित्र बलिदान का सहस्य अधिकाधिक समझने की कृपा प्रदान करे और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें इकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां अपने लिए तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान के पास का रहस्य परिपूर्ण किया है। इसने नवजात कलीसिया के आरंभ में सब राष्ट्र को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास से संयुक्त कर दिया है। इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी महिमा गान करते हुए निरंतर गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से
तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को येसु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन प्रदान किया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बना ले। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नमन निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे।
अपना सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नाशियस, सभी धर्माध्यक्षों याजकों के साथ इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर का महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे उनके पुत्र ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षण में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उन्हें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। चुकले चंदा है सारे उतेरे
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य वे जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग में हूँ कि तू मेरे घर आए, कि तू एक ही शब्द कह दे तो मेरी आत्मा तंगी हो जाए। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, यह मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीजों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रखने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना। सादे खुशियाँ अपार बरसादे प्रेम का दान बरसादे खुशियाँ अपार पावन आत्मा आजा दिल में मेरे करुणा कृपा दे दे प्रार्थना करे। हे ईश्वर, तू कलीसिया को द्विय वरदानों से विभूषित करता है, उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है।
हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन आनंद मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे। ये वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। कृपया सिर झुकाइए। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान से शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया है। वे आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करें और प्रचुर मात्रा में उसी आत्मा के दान देते रहे। आमीन। वे द्विय ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदयों को सब बुराई से विशुद्ध कर दे और अपने आलोक से भर दे। पवित्र आत्मा ने बहुत से राष्ट्रों को संयुक्त कर दिया और वे विभिन्न भाषाओं में एक ही विश्वास की घोषणा करने लगा। वही आत्मा आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग जिस ईश्वर की आशा करते हैं उसके प्रत्यक्ष दर्शन भी पा सके। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप पर उतरे और सदा बने रहे। आमीन। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने, तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कहराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्द को अस्वीकार मत कर, प्रदया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। संत पापा फ्रांसिस की हमारी धन्य माता मरियम से प्रार्थना। हे माँ मरिया, आप मुक्ति और आशा के चिन्ह के रूप में हमेशा हमारे मार्ग में चमकती हैं। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य की माँ, जिसने अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए क्रूस के नीचे खड़े रहकर यीशु के दुख भोग में हिस्सा लिया। हे प्यारी माँ, आप हमारी ज़रूरतों को जानती हैं और पूरा भरोसा है कि आप हमें वह प्रदान करती हैं, ताकि गलीलिया के काना के समान हम संकट से उभर कर आनंद और उत्साह में लौट सकें। हे दिव्य प्रेम की माँ, प्रभु यीशु के कहे अनुसार ईश्वरी इच्छा का पालन करने में हमारी सहायता कर, जिन्होंने हमारे दुखों और गमों का बोझ उठाया, ताकि उनके क्रूस के द्वारा हमें पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त हो सके। आमीन। सर्वत्र सृष्टि पर अपना प्रेम प्रकट करने वाले सर्वशक्तिमान और करुणामय ईश्वर, समस्त सृष्टि में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार करें। इस प्रकोप से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए इस पर शीघ्र काबू पाने के लिए हम आपके पास दौड़ाते हैं। हम डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह इस बीमारी के समाधान के लिए शीघ्र इलाज खोज सकें। हम सरकार तथा सेहत विभाग के अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वह लोगों की भलाई के लिए पर्याप्त कदम उठा सकें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। माता मरियम शांति की रानी, माता मरियम परिवारों की रानी, माता मरियम रोगियों के स्वास्थ्य, संतनी मरियम थेरेसिया, धन्य देव सहायम। आने वाले सप्ताह के पर्व,
एक तारीख सोमवार को माता मरियम कलीसिया की माँ का पर्व और साथ ही संत जोसितन का पर्व मनाया जाएगा। दो तारीख को संत मार्सिलोनस और पेत्रुस, तीन तारीख संत चार्ल्स लवांगा और साथी, पाँच तारीख को संत बोनिफस और छः तारीख को संत नॉर्बर्ट का पर्व। आप लोग विदा ले प्रभु की शांति और पेंतेकोस्त का पर्व की आशीष आप सबको हो। ईश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। By our love, yes, they know.